नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट टारगेट विद आलोक में। मैं आर कुमार। दोस्तों, दो मिनट की शोहरत आपके आठ घंटे कड़ी परिश्रम का ही फल होता है। जी हां, दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। हम वो सब कुछ कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं, और अब हम वो सोचेंगे जो हमने कभी नहीं सोचा है। लेखपाल के 5200 पदों की भर्ती के परीक्षा हेतु संस्थान में नया बैच प्रारंभ है। आपको एंट्री लेखपाल लिख करके 8736093317 पर व्हाट्सएप करना होगा। इसके पहले हमने भूमि पैमाइश का एक पार्ट देखा था, उसमें कुछ पॉइंट्स ऐसे थे जो मिस हो गए थे, और मैं उसको आज वह भी करूंगा। और आपके लिए पार्ट टू में कुछ नया मैं लेकर के आया हूं। आज हम देखेंगे गट्ठा क्या होता है, हाथ क्या होता है, जरीब क्या है, या फरलांग किसे कहते हैं, फरलांग में मील कितना होता है, एक मील में कितना किलोमीटर होता है, कितना मीटर होता है, ये सारे पॉइंट्स आज हम कवर करेंगे। और जो पिछली बार के आपके डाउट्स हैं वो सारे डाउट्स मैं आज क्लियर कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, आइए हम क्लास को शुरू करते हैं। तो आज देखिए हमें शुरू करना है, जानना है गट्ठा क्या होता है, हाथ क्या होता है, जरीब क्या होती है, ये सारे पॉइंट समझना है। तो आइए हम क्लास को शुरू करते हैं। आपको पता होगा क्वेश्चन पूछता है कि मीटर, एक मीटर जो होता है वो कितने सेंटीमीटर का होता है। सबको पता होता है वो 100 सेंटीमीटर का होता है एक मीटर। लेकिन कभी कभी हमारी परीक्षा में प्रश्न आ जाता है कि आखिर एक मीटर में कितना इंच होगा। तो क्या होगा अगर हम मीटर को इंच में बदलें, तो कैसे बदलेंगे। देखिए दोस्तों, हम जानते हैं कि एक इंच बराबर कितना होता है, 2.54 सेंटीमीटर के। और आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है कि 100 सेंटीमीटर में कितना इंच होता है। तो कुछ नहीं करना है, आपको कर देना है 100 सेंटीमीटर बटा 2.54 सेंटीमीटर। आप यह कर देंगे तो आपका जो डिजिट होगा इंच में निकल के आएगा। तो यहां जब हम इसको इस तरह से डिवाइड करेंगे तो आएगा 39.37 इंच। यानी कि अब हमने देख लिया कि एक मीटर में 39.37 इंच होता है। ठीक है ना, हमने यहां देखा कि एक मीटर में 39.37 इंच होता है। और एक बात और जान लीजिए आप लोग, हर जगह की पैमाइश एक समान नहीं होती। कहीं पर 5 बिस्सा का बीघा होता है भाई, कहीं पर 18 बिस्सा का होता है। हमारे उत्तर प्रदेश में जो बिस्सा होता है वो 20 बिस्सा का होगा। कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि सर ये इतना नहीं इतना होगा, तो बता दूं मैं आप लोगों को, यहां जो बिस्सा होता है 20 बिस्सा का एक बीघा होता है। हमारे उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं मैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में कई जगह अलग अलग पैमाने, लेकिन जो स्टैंडर्ड बीघा होता है वो 20 बिस्से का ही होता है। ठीक है ना। चलिए अब दोस्तों यहां पर कुछ पॉइंट्स और बनते हैं। जैसे पूछता है कि एक हाथ, कभी कभी क्या होता है हम लोग मापने की इकाइयों में हाथ का इस्तेमाल करते हैं, इस तरह से हाथ का इस्तेमाल करते हैं और हाथ से मापते हैं कि दो हाथ, तीन हाथ, चार हाथ है। अगर क्वेश्चन बन जाएगा कि एक हाथ में कितना इंच होता है, तो ध्यान रहे एक हाथ में कुल होता है 18 इंच, यह आपको भूलना नहीं है। एक हाथ में कितना होता है, 18 इंच होता है। अगर प्रश्न यही बन जाए कि अगर एक हाथ में 18 इंच है तो एक हाथ में कितना गज होगा, इसके लिए आपको जानना होगा। मैंने बताया था आप सभी को कि दोस्तों एक गज बराबर कितना होता है, एक गज बराबर होता है 3 फुट के, फुट या फीट कहते हैं इसको, या बराबर होता है 36 इंच के, क्योंकि एक फुट बराबर कितना होता है 12 इंच के, तो 12 तिहाई 36 हो गया। यानी एक गज बराबर 3 फुट और एक फुट बराबर कितना होता है 12 इंच। तो यहां आप देख सकते हो क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि एक हाथ में कितना गज होता है। तो कुछ नहीं करना दोस्तों, आपको क्या करना है, आपको कर देना है 18 बटा 36,
क्योंकि 36 इंच है, तो 36 इंच में कितना कितना गज, 36 18 इंच में कितना गज होगा, तो बराबर कितना आपका आएगा 18 के 18 दूनी 36, तो आपका आ जाएगा 1/2 गज। कितना आ गया आपका 1/2 गज आ गया, क्योंकि एक गज बराबर कितना होता है 36 इंच के, तो दोस्तों इसका आधा कितना होगा 1/2 हो जाएगा, यानी कि 1/2 गज आपका आ जाएगा 18 इंच, यानी कि एक हाथ में। तो इसको आप इस तरह से निकाल सकते हैं। फिर देखिए कभी कभी क्वेश्चन क्या आता है, कभी कभी दोस्तों क्वेश्चन ऐसे आता है कि आखिर एक हाथ में कितना मीटर, अगर एक हाथ में मीटर निकालने के लिए क्वेश्चन आ जाए तो कैसे निकालोगे आप, एक हाथ में कितना मीटर होता है अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो कैसे निकालेंगे। देखिए यहां 18 इंच निकालेंगे हम लोग, हमको दोस्तों ये पता है कि जो हमारा एक मीटर होता है वो 39 कितना होता है 37 इंच के होता है, तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें यही करना है कि यदि एक मीटर बराबर है 39.37 के, तो हमको निकालना है किसको, हमको 18 इंच का निकालना है, ध्यान देना। तो हमें क्या करना है दोस्तों, हमें करना है 18/39.37। तो अगर हम इसको डिवाइड करेंगे, जब यहां इसको डिवाइड किया जाएगा तो आपकी जो डिजिट है एग्जैक्ट वो आपकी वैल्यू आ जाएगी, तो वैल्यू कितनी होगी 0.4572 मीटर, यानी कि 18 इंच में कितना मीटर होता है दोस्तों, 18 इंच में 0.4572 मीटर के होता है, इस बात का ध्यान देना, या ध्यान देना एक हाथ में 18 इंच या बराबर आधा गज होता है या बराबर होता है 0.4572 मीटर के, ठीक है ना, क्योंकि एक मीटर में कितना इंच होता है 39.37 इंच होता है। तो दोस्तों 18 इंच में क्या करना पड़ेगा हमको, या तो ऐसे करेंगे आप, या फिर आपको क्या करना है 18 × 1/39.37 कर देंगे, तब भी यह डिजिट आपकी निकल करके सामने आपकी आ जाएगी, ठीक है ना। तो एक हाथ कितना हो गया 0.4572, ये आपके हो गया मीटर के। फिर देखिए क्वेश्चन फिर यहां पूछता है, क्वेश्चन यहां पूछेगा कि आपका एक गट्ठा कितना होता है। आपने देख लिया हाथ कितना होता है, आइए हम देखते हैं गट्ठा कितना होता है। देखिए अगर गट्ठा की बात की जाए तो एक गट्ठा, मैं बात करूंगा एक गट्ठा की, एक गट्ठा बराबर दोस्तों कितना होता है 99 इंच के होता है, एक गट्ठा बराबर 99 इंच होता है। तो गज में निकालने के लिए क्या करेंगे, वही फॉर्मूला जो आपने लगाया था पहले, यानी कुछ नहीं करना, जितना पूछ रहा है 99 इंच आप जानते हैं, बटे कितना कर दीजिए आप 36 कर दीजिए। जब आप करेंगे 99/36 करेंगे, या फिर आप ये भी कर सकते हो 99 × 1/36 ये भी कर सकते हो आप, तो जब इसको हम करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 36 × 72, ये देखिए आपका आ गया 2.75 गज आ गया आपका, 2.75 गज, 2.75 गज आपका ये आ गया एक गट्ठा के अंदर, ठीक है ना। फिर देखिए क्वेश्चन क्या पूछता है कि आखिर ये मीटर में कितना आएगा। फिर देखिए मीटर में निकालना है, तो अभी हमने निकाला था 18 इंच का मीटर में, तो क्या किया था 18/39.37 किया था, तो यहां भी अगर निकालना है आपको मीटर में तो कुछ भी नहीं करना है, बस आपको ध्यान रखना है कि एक मीटर में 39.37 इंच होता है, तो आपको बस वैसे ही निकालना है। क्या करेंगे आप 99/39.37 कर देंगे, या कर देंगे 99 × 1/39.37। तो दोस्तों जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपकी जो डिजिट वो सामने आपके आ जाएगी, वो कितना हो जाएगा आपका 2.5
5 1 5 1 4 6 मीटर। ये आपका आ गया एक गट्ठा में कितना मीटर के होता है, ये पॉइंट्स आपका सामने आ गया है। अब हमको समझना दोस्तों जरीब के बारे में। देखिए अगर हम बात करें आपसे जरीब की, तो जरीब दो प्रकार की होती है। एक होती है आपकी जिसको हम कहते हैं मीट्रिक जरीब, और एक होती है गंटर जरीब। जरीब दो प्रकार की होती, एक मीट्रिक होती है और एक गंटर होती है। वो ऐसे स्पेशली भूमि की पैमाइश के लिए गंटरी जरीब का प्रयोग करते हैं। गंटर नहीं बल्कि गंटरी होती है, गंटरी जरीब का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। तो गंटरी जरीब की यहां बात करेंगे हम कि दोस्तों जो एक जरीब होती है इसको चेन भी बोलते हैं, एक जरीब या चेन। देखिए एक जरीब या चेन बराबर कितने गज के होता है दोस्तों, तो ध्यान देना आप लोग, ये 22 गज की एक जरीब होती है, ठीक है ना। जो एक जरीब होती है वो 22 गज की होती है एग्जैक्ट, ठीक है ना। अगर देखिए 22 गज की एक जरीब होती है तो हमको ये पता है कि एक गज बराबर 3 फीट होता है, क्लियर। तो इसमें कितना फीट आ जाएगा, तो 66 फीट होता है दोस्तों। हम कह सकते हैं कि 66 फुट की एक जरीब होती है। फिर देखिए क्वेश्चन यहां से पूछता है कि कितने मीटर की होती है, ठीक है ना, कि यह जो जरीब होती है कितने मीटर की होती है। तो ध्यान देना हम ये जानते हैं, हमको निकालना यहां पर जरीब में कितना मीटर होता है, ये हमको यहां ज्ञात करना है। तो देखिए हमको क्या होता है दोस्तों, हम ये जानते हैं पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि एक गज बराबर होता है 0.9144, ठीक है ना, मीटर। ये हम जानते हैं कि इतना होता है एक गज के अंदर। तो अगर हमको निकालना है 22 गज का, ठीक है ना, 22 गज का, तो क्या करेंगे हम 22 गुणे 0.9144 जब करेंगे तो ये करने पर दोस्तों हमारा निकल करके आएगा मीटर में, ठीक है ना। वैसे देखिए दो ही जरीब होती है, जो मीट्रिक होती है वो 20 मीटर की होती है और बाकी जो आपकी गंटरी होती है वो 20.11 समथिंग जो होती है, एग्जैक्ट जो उसकी वैल्यू होती है आपका, ये लगभग होता है 20.1168 होता है, ठीक है ना। तो एक जरीब या एक चेन जो होती है 22 गज की होती है और एक गज में 3 फीट होता है, तो 22 गज में कितना होगा, 66 फीट हो जाएगा, इस बात का ध्यान देना। और अगर एक गज में 0.9144 मीटर होता है तो 22 गज में कितना हो जाएगा दोस्तों, गुणा करेंगे तो आपका सामने ये आ जाएगा। अब देखिए एक पॉइंट और बनता है कि इसमें कड़ी कितनी होती है, यानी कि एक जरीब में कितनी कड़ी होती है, ऐसा क्वेश्चन पूछता है। तो भाई 100 कड़ी होती है एक जरीब के अंदर, 100 कड़ियां होती हैं और कड़ी के अंत में पीतल का छल्ला भी लगा होता है, इस बात का आप विशेष तौर पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। और कुछ पॉइंट्स और देखिए हम समझने के, क्वेश्चन पूछता है कि एक जो कड़ी होती है, क्वेश्चन बन गया कि एक कड़ी बराबर कितने इंच का होता है। क्वेश्चन ऐसा भी बनता है कि एक कड़ी कितने इंच की होती है, तो ध्यान देना ये 7.92 इंच की होती है एक कड़ी, क्लियर, 7.92 इंच की होती है एक कड़ी, ठीक है ना। कुछ पॉइंट्स हमको समझना पड़ेगा। जैसे दोस्तों एक गज में कितना इंच था, 36 इंच है, और एक फीट में कितना इंच था, 12 इंच था, यानी एक फीट में 12 इंच और एक गज में 36 इंच और एक हाथ में 18 इंच था, 18 इंच, ठीक है ना।
देखिए जो पॉइंट्स आपको समझ नहीं आएगा आप कमेंट कर सकते हो, मैंने कमेंट सबके कमेंट्स का रिप्लाई दिया है, ध्यान देना। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन बन जाए कि एक कड़ी के अंदर, एक कड़ी में कितना गज होता है, अगर गज पूछता है तो क्या करेंगे आप? अगर एक क्वेश्चन बन गया कि एक कड़ी में कितना गज होता है, देखिए तो क्या करना दोस्तों, अगर देखिए एक कड़ी में 7.92 इंच है और एक गज में 36 इंच है, तो क्या करना आपको, आपको करना है 7.92/36, क्योंकि एक गज में 36 इंच और एक कड़ी में 7.92 इंच होता है। जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारा गज निकल के दोस्तों आ जाएगा 0.22 यार्ड, यानी एक जो कड़ी होती है, जो एक कड़ी होती छोटी सी, ठीक है ना, एक जरीब 100 कड़ी की है और एक कड़ी 7.92 इंच की है, तो एक कड़ी कितने गज की होती है, अगर एक गज में 36 इंच और एक कड़ी में 7.92 इंच, तो क्या करना, इसको डिवाइड कर देंगे दोस्तों तो हमारा एक गज में निकल के आ जाएगा। देखिए अगर इसी को हम 100 से गुणा कर देंगे तो हमारा 22 गज आ जाएगा, इसको आप प्रूव कर सकते हैं। अगर यानी कि 100 कड़ियां होती हैं तो अगर हम इन 100 इसमें को 100 से गुणा कर देंगे तो हमारा 22 गज सामने आ जाएगा। फिर देखिए क्वेश्चन क्या बनता है कि आखिर एक कड़ी में कितना हाथ है, एक कड़ी में कितना हाथ है, तो देखिए यहां पर क्या है, एक हाथ में 18 इंच, ठीक है ना। तो अगर दोस्तों एक हाथ में 18 इंच है और एक कड़ी में 7.92 इंच है, तो 7.92 बटा क्या कर देंगे हम, 18 कर देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा हाथ में, और कितना आएगा, ये आपका आ जाएगा 0.44 हाथ। इसको 100 से गुणा करेंगे तो 44 हाथ का आ जाएगा आपका एक जरीब, 44 हाथ की आपकी एक जरीब निकल के आ जाएगी। अब देखिए एक पॉइंट्स और बचा हुआ है कि आखिर एक कड़ी में कितना फिट होता है, तो अगर दोस्तों एक फिट में 12 इंच है और एक कड़ी में 7.92 इंच है, कुछ नहीं करना आपको, आपको क्या करना है, 7.92/12 कर देंगे, ये हमारा फिट में निकल करके आ जाएगा, तो कितना होता है दोस्तों, तो ध्यान देना कि हो जाएगा 0.66 फीट। एक कड़ी में 0.66 फीट होता है, इस बात को गौर करिएगा, यानी एक कड़ी में 0.66 फुट होता है। कभी कभी यही आता है आपका मीटर में, अगर पूछ दे कि मीटर में कितना होता है, तो हमको यह पता है कि एक मीटर बराबर कितना, 39.37 इंच के होता है, तो वही जो हमने आगे किया वही हम यहां भी कर देंगे। क्या करना हमको, यहां करना है 7.92/39.37 बराबर आपका आ जाएगा 0.201168 मीटर, यानी कि एक कड़ी के अंदर 0.201168 मीटर के आता है। तो आपने देखा जरीब के बारे में, 22 गज की होती है, 44 हाथ की होती है, 66 फुट की होती है, या 20.12, ठीक है ना, मैंने एग्जैक्ट वैल्यू लिखा हुआ है, क्योंकि पिछली क्लास में एग्जैक्ट वैल्यू ना लिखने की वजह से मुझे काफी सुनना पड़ा था। देखिए तो दोस्तों यहां पर 66 फीट है बराबर 20.1168 मीटर है, 100 कड़ी होती है एक जरीब के अंदर, और एक कड़ी है 9.92 इंच की दोस्तों, तो एक कड़ी में कितना गज, 0.22 यार्ड होता है, कितना हाथ, 0.44 हाथ होता है, और कितना फुट, 0.66 फीट होता है, और कितना मीटर, 0.201168 मीटर के होता है एक कड़ी के अंदर। तो आपने जरीब देखा और कड़ी देखा, अब हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों, आगे हम देखते हैं फरलांग क्या होता है। तो एक फरलांग बराबर, एक फरलांग बराबर होता है 10 जरीब या 10 चेन के। प्रश्न यह बनेगा कि आखिर एक फरलांग में कितना गज होता है। बहुत सिंपल सी बात है, आप अच्छा आसानी से आप कर सकते हो कि एक, देखिए कुछ भी आसान नहीं होता है, सिलेक्शन लेना है तो हमको मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है ना, चाहे वो हमको याद करना पड़े चाहे हमको समझना पड़े। दोस्तों एक फरलांग में 10 जरीब है, तो 10 जरीब में कितना गज होता है, एक जरीब बराबर
22 गज, ठीक है ना। तो हमको निकालना 10 दरीब में कितना गज, तो 10 गुणे 22 कर देंगे तो 220, 220 गज एक जरीब यानी कि एक फरलांग के अंदर। तो एक फरलांग में 220 गज होता है। फिर देखिए एक मील बराबर क्या होता है। अब देखिए क्वेश्चन बनता है मील से, और यह क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि एक मील बराबर कितना फरलांग। तो एक मील बराबर 8 फरलांग के होता है, इस बात का ध्यान दीजिएगा, एक मील बराबर होता है 8 फरलांग के, ठीक है ना। तो क्वेश्चन बनता है कि 8 फरलांग में कितना गज, तो 8 गुणे 220 कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों कुल कितना हो जाएगा, 8 शून्य शून्य, 8 गुणे 16 के 6, 8 गुणे 16 के 17, 1760 गज होता है। देखिए 1760 गज होता है एक मील के अंदर। अभी देखिए हमको इसको और समझना पड़ेगा, अगर एक मील में 1760 गज है तो कितना मीटर होगा या कितना सेंटीमीटर होगा। देखिए तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, इसको देखिए, यानी कि एक गज में कितना सेंटीमीटर होता है। अब इसको निकालना हमको सेंटीमीटर में, कि यानी कि 1760 गज यानी कि एक मील में कितना सेंटीमीटर होता है। तो देखिए कुछ नहीं करना, हमको इतना पता है कि एक गज बराबर होता है 91.44 सेंटीमीटर, इतना होता है। तो कुछ नहीं करना आपको, 1760 गुणे 91.44 करेंगे तो ये आपका निकल के आएगा सेंटीमीटर में दोस्तों। और कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 160,934, 160,934.4 सेंटीमीटर। अब इसको निकालना है मीटर में, तो ध्यान देना कितना जाएगा, ये 109.344 मीटर में। इसको निकालना है आपको किलोमीटर में, तो 1.609344 किलोमीटर। तो देखा आपने, एक मील को हमने क्या किया है, एक मील को हमने पहले गज में निकाला है, फिर इसी से हमने इसको सेंटीमीटर में निकाला हुआ यहां पर, ठीक है ना। और फिर सेंटीमीटर से क्या किया है, ये निकाला गया है मीटर में, फिर उसके बाद किलोमीटर में। तो 1.609344 किलोमीटर होता है एक मील के अंदर, इस बात का ध्यान देना, क्वेश्चन कई बार पूछा गया ये वाला। अब देखिए दो चीजें और हैं, जैसे क्वेश्चन पूछता है कि एक नॉटिकल मील में, एक नाविक मील में कितना होता है। तो जानकारी के लिए आप लोग समझ लीजिए, जो नाविक मील होता है, ये जो नाव चलाने वाले होते हैं यानी कि जो समुद्री दूरी होती है उसको मापने के लिए हम लोग नाविक मील का प्रयोग करते हैं। तो एक नाविक मील बराबर कितना होता है 1852 मीटर किलोमीटर के, या फिर 1.852 किलोमीटर के, या 1852 मीटर के होता है एक नाविक मील के अंदर, इस बात का आप सब ध्यान दीजिएगा। और फिर देखिए ये हमने समझा दूरी के बारे में, अब कुछ चीजें और जो आपको समझना पड़ेगा वो भी इंपॉर्टेंट चीजें ही हैं। देखिए अगर दोस्तों मैं बात करूं तो पूछता है कि एक खगोलीय दूरी क्या होता है, एक खगोलीय दूरी बराबर कितना। देखिए ये सूर्य से पृथ्वी की दूरी है, कि एक खगोलीय दूरी बराबर कितना होता है, तो इस बात का ध्यान देना आप लोग, 1.49 × 10^11 मीटर होता है, ठीक है ना। और एक चीज जो मैं भूल गया कि एक सिकंदरी गज, एक सिकंदरी गज बराबर 30 इंच, ध्यान देना आप लोग, ठीक। फिर देखिए क्वेश्चन यहां फिर बनता है कि एक प्रकाश वर्ष, एक लाइट ईयर जो होता है वो किसके बराबर होता है। तो प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी क्या होती है, ये लाइट ईयर होती है, 9.46 × 10^15 मीटर के होता है एक प्रकाश वर्ष। क्वेश्चन यही बनता है कि आखिर एक पारसेक बराबर कितना होता है, एक पारसेक बराबर कितना होता है। तो ध्यान देना दोस्तों, 3.08 × 10^16 मीटर के होता है, या 3.26 प्रकाश वर्ष के होता है, प्रकाश वर्ष के होता है, इस बात का ध्यान देना।
फिर क्वेश्चन यही बनता है कि आखिर एक फर्मी मीटर दूरी की सबसे छोटी इकाई है फर्मी, इसको स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते कितनी होती है 10^-15 मीटर, और एक एंगस्ट्रॉम कितना होता है। दोस्तों ये तरंग दैर्ध्य का मात्रक है, तो एक एंगस्ट्रॉम बराबर आपका हो जाता है 10^-10 मीटर, और फिर यही एक माइक्रोन बराबर कितना होता है, क्वेश्चन पूछा गया है कि एक माइक्रोन बराबर कितना होगा, तो ये आपका हो जाएगा 10^-6 मीटर। और कुछ चीजें दोस्तों और आपके लिए जो नई है कि एक पाउंड में कितना किलोग्राम, एक पाउंड में होता है 0.4536 किलोग्राम, या बराबर होता है 453.6 ग्राम होता है एक पाउंड के अंदर, या एक किलोग्राम बराबर कितना पाउंड दोस्तों, 205.3 पाउंड के होता है एक किलोग्राम के अंदर। ध्यान देना, बाकी एक किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, एक क्विंटल में कितना होता है दोस्तों आपका 100 किलोग्राम होता है, एक मीट्रिक टन में 1000 किलोग्राम 10 क्विंटल होता है। क्वेश्चन एक और बनता है कि 1 मिलीग्राम बराबर कितना होता है, ठीक है ध्यान देना आप लोग, तो 203.5 जो आपका एक कैरेट पूछता है कि एक कैरेट बराबर कितना होता है, एक कैरेट बराबर कितना होगा, तो 203.5 मिलीग्राम होता है एक कैरेट के अंदर। और फिर एक बैरल बराबर कितना लीटर, तो 161 लीटर, और एक बैरल के साथ से पूछता है कि हां एक गैलन बराबर कितना होता है, तो ध्यान देना आप लोग 3.785 लीटर होता है एक गैलन के अंदर। ठीक है दोस्तों, ये समझा हमने कुछ नए मात्रकों को, और आइए हम कल के आपके डाउट्स को कुछ खत्म करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन सा पॉइंट्स इसके पहले मिस हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए तो कल का जो पॉइंट था उसको मैं दोबारा यहां पर आपके सामने रिवाइज करवाऊंगा। देखिए एक जो बिस्वा होता है, एक बिस्वा ये होता है 1361.25 वर्ग फुट का होता है, क्लियर है, ये एक बिस्वा होता है हमारे उत्तर प्रदेश में। और एक कच्चा बीघा जो होगा, बताया था मैंने आप सभी को कल कि एक कच्चा बीघा जो होता है वो 1008 वर्ग गज का होता है, स्क्वायर यार्ड का होता है। तो ध्यान देना, अगर एक वर्ग गज बराबर 9 वर्ग फुट होता है तो क्या करना है, 1008 को 9 से गुणा जब कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 9075 वर्ग फुट, यानी कि एक कच्चा बीघा में 9075 वर्ग फुट के होता है, कच्चा बीघा की मैं बात कर रहा हूं। अब देखिए क्वेश्चन ये बनता है कि एक कच्चा बीघा में कितना बिस्वा होता है, ध्यान देना, अगर एक बिस्वा में 1361.25 वर्ग फुट, तो 9075 वर्ग फुट अर्थात एक कच्चा बीघा में कितना आपका आ जाएगा ये आपका बिस्वा। तो ध्यान देना, जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो आपका 6.667 बिस्वा आता है, इस बात का ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। फिर देखिए पक्का बीघा, यही कल मिस हुआ था, मैंने केवल एक वर्ग गज लिखा था, केवल 55 वर्ग गज, जो एक पक्का बीघा होता है वो 55×55 वर्ग गज होता है दोस्तों, ध्यान देना, तो ये होता है एक पक्का बीघा, ठीक है ना, 55×55 वर्ग गज का होता है, इस बात का ध्यान देना, या उसमें होता है 20 बिस्वा होता है, कितना होता है 20 बिस्वा होता है, ठीक है ना। अगर हम इस 55×55 वर्ग गज का या 20 बिस्वा का अगर हम निकालेंगे कितना स्क्वायर फीट आता है, तो ध्यान दीजिए आप लोग, अगर एक वर्ग गज बराबर 9 वर्ग फीट, एक वर्ग गज बराबर 9 वर्ग फीट, तो 55×55×9 कर देंगे तो वर्ग, यानी ये क्या है वर्ग गज में है, यही हम इसको 9 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे, देखिए हमने यहां 9 से मल्टीप्लाई किया है, 9 से जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो 27,225 वर्ग फुट आ जाएगा। या इसमें कितना होता है, या 3 कच्चा बीघा होता है, या अगर मान लीजिए कुल 27,225 वर्ग फुट आया है, तो अगर एक बिस्सा में 1361.25 वर्ग फुट,
तो क्या करना है कि एक बीघा में 20 बिस्वा होता है, तो यही वर्ग फुट को आप 20 से डिवाइड कर, 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 27,225 गुणे 20 कर देंगे, तो आपका निकल के आ जाएगा दोस्तों कितना आ जाएगा आपका, जो क्लियर आपकी पूरी डिजिट है वो सामने आपके आ जाएगी। क्वेश्चन बन सकता है कि आखिर 20 बिस्वा में कितना वर्ग फुट होता है, इस तरह से पूछ सकता है। तो अगर एक बिस्सा में, अगर एक बिस्सा में 1361.25 वर्ग फुट है, तो 1361.25 गुणे 20 बिस्सा कर देंगे, तब भी आपकी ये वैल्यू निकल के सामने आपके आ जाएगी। और एक चीज और जान लीजिए आप लोग दोस्तों, जो 55 वर्ग फीट है, ध्यान देना है कितना होगा, 165, जो 55 वर्ग गज है ये 165 वर्ग फीट हो जाएगा, कि 55 को 3 से गुणा कर देंगे तो 165 वर्ग फीट, 165 लंबाई, 165 चौड़ाई। अगर देखिए इसको सिद्ध करना है तो 165 गुणे 165 जब आप करोगे तो 25 यानी तब भी आपका 27,225 आएगा। इसका मतलब कि एक बीघा में, एक पक्का बीघा जो स्टैंडर्ड बीघा होता है, उसमें 27,225 वर्ग फुट होता है। फिर देखिए, एक वर्ग गज में 9 वर्ग फुट, तो आखिर एक बीघा में कितना वर्ग गज होता है, इसको कैसे निकालेंगे। तो अगर एक वर्ग गज में दोस्तों कितना होता है, 9 वर्ग फीट होता है, तो क्या करना है आपको, आपको 2725 बटे 9 कर देंगे तो आपका आ जाएगा वर्ग गज, एक बीघा बराबर 3025 वर्ग गज के होता है, इस बात का ध्यान देना। फिर एक एकड़ जो होता है, जो आपका ये एकड़ है, आखिर एकड़ कितना होता है, तो भाई एकड़ होता है 44 गुणे 10 वर्ग गज के होता है, 44 गुणे 110 वर्ग गज के होता है। अगर आपको निकालना है कि हाँ 132 क्या है, तो 44 गुणे जब 3 कर देंगे दोस्तों, तो ध्यान देना ये आपका फीट का आंकड़ा है, यानी कि 132 गुणे 132 वर्ग फीट भी होता है, इस बात का ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है ना, या इसी को हम कह सकते हैं 44 गुणे 110 वर्ग गज। तो ध्यान दीजिएगा 44 गुणे 110 वर्ग गज, जब इसको गुणा करिएगा आप, तो कितना आपका आ जाएगा, 4840 वर्ग गज के होता है, 4840 वर्ग गज का होता है एक एकड़। फिर आपको निकालना है एक एकड़ में कितना वर्ग फीट होता है, तो अगर एक वर्ग गज बराबर 9 वर्ग फीट, तो 44 गुणे 110 गुणे 9 कर देंगे, यहां देखिए वर्ग गज है तो गुणे यही क्या कर देंगे, 9 कर देंगे, क्योंकि 9 वर्ग फीट होता है एक वर्ग गज में, तो आपका आ जाएगा 43,560 वर्ग फीट आ जाएगा। फिर देखिए पूछता है कि आखिर कितना वर्ग मीटर होता है, तो जब हम दोस्तों जानते हैं कि एक एकड़ में कितना वर्ग मीटर होता है, यह हमको ज्ञात करना है, और हमको पता है कि एक वर्ग गज बराबर 0.0083 लगभग इतना होता है वर्ग मीटर का, लगभग देखिए एकदम क्लियर नहीं आ पाएगा, तो ध्यान देना, तो क्या करना है हमको, हमको गुणा कर देना है किसमें, 4840 गुणे कर देंगे हम लोग 0.83 में, तो दोस्तों कितना आपका आ जाएगा, 4047 वर्ग मीटर आ जाएगा एक एकड़ में। और कितना पक्का बीघा, ध्यान दीजिएगा कि एक एकड़ में कितना वर्ग फीट निकाले आप, 43,560 बटे एक बीघा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, पक्का बीघा आ जाएगा आपका 1.60। फिर एक हेक्टेयर देखिए, ये 100 गुणे 100 वर्ग मीटर का होता है, तो एक हेक्टेयर बराबर कितना हो जाएगा, 100 गुणे 100 वर्ग मीटर, और दोस्तों यानी कि 10,000 मीटर। हमें यह पता है कि एक, यानी कि एक हेक्टेयर में 10,000 वर्ग मीटर आ चुका है, तो एक वर्ग मीटर में कितना वर्ग फुट होता है, एक वर्ग मीटर में 10.764 वर्ग फीट होता है, स्क्वायर फीट होता है। अगर हम यही 10,000 वर्ग मीटर को क्या करेंगे, 10.764 वर्ग फुट से गुणा कर देंगे, तो यह आपका निकल के आएगा 1,07,649 वर्ग फुट के, यानी कि एक हेक्टेयर में 1,07,649 वर्ग फुट आता है, एक एकड़ में 43,560 वर्ग फुट आता है, और एक बीघा में दोस्तों ध्यान देना 27,225 वर्ग फुट आता है। अगर आपको इसको सिद्ध करना है तो क्या करेंगे आप, 330 गुणे 132 जब करेंगे तब भी यह आपका सिद्ध हो जाएगा, और कितना आएगा, 43,560 वर्ग फीट आएगा। इसको आप, ये वाला ट्राई आप कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों मैंने आपके कंफ्यूजन को यहां पर खत्म किया है, अगर आपको लगता है कि आपको कोई कंफ्यूजन और हो तो आप तुरंत बताइएगा, कमेंट करिएगा,
और उस पॉइंट्स को आप मैं फिर आगे आपका सही कर सकूं, ठीक है ना। जो कल की डिजिट मिस थी वो यहां पर ये 9 मिस था, ठीक है, ध्यान देना, क्योंकि मैंने उसको 3 लिख दिया था। क्लियर। तो दोस्तों ये रहा उत्तर प्रदेश लेखपाल के लिए, हमने समझा कि क्या होता है बिस्सा बिघा, और चीज समझा हमने, गज क्या होता है, सिकंदरी गज क्या होता है, ये सारे पॉइंट समझे हमने। तो दोस्तों संस्थान में लेखपाल का वैसे प्रारंभ है, आपको एडमिशन लेने के लिए स्क्रॉल हो रहे नंबर पर संपर्क करना है, और संपर्क करने के बाद आपको सारी प्रक्रियाओं के बारे में समझा दिया जाएगा। और अगर आपको लगता है कि कहीं पर आप समझ नहीं पा रहे तो कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।